इसे जब आप बनाएंगे तो इसका जो स्वाद है वो आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का लेग पीस या चिकन टंगरी ले लिया है 600 ग्राम और इसे मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है। लेकिन हमारा जो चिकन है उसे सॉफ्ट कैसे रखा जाए, इसलिए हम एक चम्मच नमक डालेंगे चिकन में और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच विनीगर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच विनीगर डाल दिया है। विनीगर डालने के बाद इसे हम फिर से इस तरह से मचल मचल के धोएंगे और चिकन को हमें 2 मिनट तक इसमें रखना है, यानी विनीगर के और नमक के जो पानी है उसमें डुबो के रखना है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए चिकन एकदम से क्लीन हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद हम चिकन का पानी निचोड़ लेंगे और एक इस तरह के छन्नी या झूरी में रख देंगे ताकि जो बाकी बचे पानी वो अच्छे से झर जाए। तो पानी झरने के बाद हमें चिकन को, अगर चिकन का पीस ज़्यादा बड़ा है तो एक चीरा लगा ले इस तरह से, अगर छोटा है तो चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चिकन का पीसेस बड़ा था उसे मैंने चीर दिया है। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे या स्वाद के अनुसार नमक, छोटा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने चिकन टंगड़ी मसाला करी तो बहुत देखे होंगे या खाए होंगे, एक बार मेरे इस प्रोसेस से बनाकर खा के देखिए। तो इसमें हरी मिर्च का जो पेस्ट है इसे ज़रूर मैरिनेट के समय डालें। अब हम इसे 1/2 से 1 घंटे तक मैरिनेट के लिए रखेंगे। हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें सारे चिकन डाल देंगे और चिकन के एक साइड हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। गैस को हम हाई टू मीडियम में रखेंगे। 2-3 मिनट के बाद चिकन का हम साइड पलटी करेंगे और ऑपोजिट साइड भी हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो चिकन को हमने 6-7 मिनट तक अलट पलट के फ्राई किया है और चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। सारे चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को ज़्यादा फ्राई करने से चिकन स्टीफ हो जाता है, और लो फ्लेम में भी चिकन को फ्राई मत करिए, थोड़ा हाई पे रख के इसे फ्राई करें। अब हम इसी ऑयल में डालेंगे 1 सूखा लाल मिर्च, 2 छोटा तेज पत्ती, 1 स्टार फूल और यहाँ पर 1/2 बड़ी इलायची लिया है मैंने डाल देंगे, 4 छोटी इलायची और यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 लौंग साथ में डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने 5-6 लहसुन की कली को चॉप कर लिया है डाल देंगे और 3 हरी मिर्च को भी डाल दिया है मैंने। साथ ही यहाँ पर 4 लहसुन लिया है जिसे मैंने अखा रखा है। लहसुन को पहले अच्छे से धो ले, सुखा ले, पोंछ ले, फिर आप इसे फ्राई करें। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है, पतला पतला काट लिया है और ये सारे चीज़ को हमें अच्छे से फ्राई करना है। करीब 6-7 मिनट लग जाएगा इसे फ्राई करते हुए। गैस को कम ज़्यादा करके प्याज को हमें फ्राई करनी है, प्याज जल ना जाए ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर को छोटा छोटा करके काट लिया है। टमाटर को डाल देंगे और साथ ही हम यहाँ पर 2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम कर देंगे और थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। मसाला को अच्छी तरह मिला लेंगे। इस समय हमें गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है।
अब हम इसमें एक चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे। कोई भी कंपनी का आप चिकन मसाला एक चम्मच ऐड करें। इसे भी हमें अच्छी तरह मिला लेना है। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे और देखिए मसाला से ऑयल बाहर निकल रहा है और जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया है। मसाला को थोड़ा मैश कर दे ताकि टमाटर जो है अच्छे से मिल जाए मसाला के साथ में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना पानी चाहिए। देखिए करीब मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह मसाला के साथ में ग्रेवी को या पानी को मिला लेंगे और एक उबाल आने देंगे। तो उबाल आ गया है, इसी में हम चिकन डालेंगे क्योंकि चिकन को हमने पहले ही फ्राई करके रखा है और गरम ग्रेवी या गरम पानी में ही चिकन को देना सही रहता है, फिर उसका जो सॉफ्टनेस है वो बना रहता है। सारे चिकन को हमें ग्रेवी में डाल देना है। इसमें जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। चिकन को अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला। 1/2 चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक थोड़ा कम था तो थोड़ी सी नमक ऐड किया है। 1/6 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और 1/6 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। आपके पास अगर होममेड गरम मसाला नहीं है तो भी चलेगा, आप सिर्फ चिकन मसाला डाल के भी इस रेसिपी को बना सकते हो। अच्छे से मिलाने के बाद 15 मिनट तक ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हम ढक्कन को हटा के चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन को हटाया और चिकन का जो ऑयल है वो बाहर आ गया है और घर में एकदम से खुशबू से भर गया है। फिर से हम इसमें थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और ये जो धनिया पत्ता मैंने कट करके रखा था वो सारे धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धनिया पत्ता जीरा पाउडर डालने के बाद फिर से हम इसे लो मीडियम फ्लेम में 6-7 मिनट पकाएंगे। 6-7 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और एक बार चेक करेंगे। जितना आप इसे पकाएंगे ये मसाला का कलर बहुत चेंज हो जाएगा और इसका तारी बोले या ग्रेवी बोले देखिए कितना अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपको बताया है। चिकन को गैस में चढ़ा के आप अपना काम करिए और चिकन को पकने दीजिए। बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन गल गया। अब हम इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद देखिए चिकन का कलर देखिए फ्रेंड्स, और गर्मा गर्म सर्व करिए। रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।